मैं ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? कैसा टाइम गुजर रहा है? पढ़ाई कैसी जा रही है? पहले तो मुझे बताओ, आवाज आ रही है लोगों को? आवाज आ रही है? जी तो माय पर्सनल एंड फेवरेट क्लास कैसे हैं सर? अच्छा, मुझे आप लोगों से पूछना है कि कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का सिलेबस? कौन बताएगा? सीधा आप मुझे बताओगे कि अकॉर्डिंग टू मैडम राकेल, उन्होंने मुझे कहा कि सिलेबस जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ जो है ना टेस्ट स्टार्ट करने थे उनके। तो एक तो मुझे आप लोगों से ये डिस्कस करना है कि आप लोग कैसे चाह रहे हो कि आप लोगों के टेस्ट कंटिन्यू हो जाए, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, मैंने तो ये डिसीजन लिया कि आप लोगों के साथ जब भी लेक्चर हो डेली जो है हम एक या दो थ्योरी, ये दो थ्योरी तो हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, एटलीस्ट वन थ्योरी जो है हम डिस्कस करें एक दफ़ा, उसके बाद उसका जो है वो गूगल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए टेस्ट अपलोड कर दूँ।
एक तो साथ साथ जो अब काफी अरसे से आप लोग पढ़ते जा रहे थे तो टेस्ट नहीं मिला था, एक तो उसके साथ साथ रिविजन हो जाएगी, दूसरा उसके बाद उसका जब टेस्ट होगा तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। थ्योरी जो है फर्स्ट नंबर वन आप लोगों की जो है ये उसकी है, क्या नाम था उसका, लिथिया लोइस की, ये आई थिंक फर्स्ट नंबर वन थी। तो ये मैंने अपलोड करने की कोशिश की है ताकि हम इस आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, फिर मैं आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चनिंग स्कीम थोड़ी सी करूं, तो उसके बाद जो है ना फिर इसी का टेस्ट जो है मैं अपलोड करूँ। ये आई थिंक मैडम सरैया के दौर की बनी हुई है, तो मैंने यही सोचा, मेरे पास काफ़ी अर्सा पहले पढ़ी होगी आप लोगों ने, आप तो इसके बारे में आप लोग ऐसे भूल भाल गए होंगे। याद आया इसको देख के कुछ? बड़ी थी ये थ्योरी आप लोगों ने, अब अगर पढ़ी थी तो इसको रिवाइज करो और देखो कि इसके अंदर आप लोग जो है वो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे इसके अंदर था बैकग्राउंड, डिस्क्रिप्शन, अजम्पशन, वेजर कंसेप्ट था। उसके बाद कंटेंट उसके थे, ये सब कंटेंट है इसके, द क्योर, केयर फॉर एंड क्योर, ठीक है, स्ट्रेंथ थी, वीकनेस थी, कंक्लूजन थी, ये सारा आप लोग ना एक दफा आप लोगों के पास जो पीपीटी है ना, या इधर ही हम जल्दी जल्दी स्लाइड टू स्लाइड हम इसको एक ही दिन में है रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें लिदिया लुइस और गुड मॉर्निंग सुनाना, कैसे हो आप लोगों को पता चल गया था कि नर्सिंग थ्योरी का ओवर मुझे मिला? बाकी मेरे सारे जाने जिगर किधर हैं, वो मिशेल, सरेश, सुलेमान किधर हैं सारे हमारे लोग? सबसे हटके वो फातिमा, क्या वो भी ऑनलाइन होती है कि कोई नहीं? अच्छा, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये रिद्धिया जो है उसके बारे में लिखा है कि शी वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क,
on 21 September 1907. बेसिक कोर्स एजुकेशन, ये जो ये है ना, ये इसके बारे में किसी कोई कोई भी थ्योरिस्ट है ना, उसके बारे में ये अक्सर एमसीक्यूज के ये क्वेश्चन बनते हैं. बेसिक नर्सिंग एजुकेशन इन 1927, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ किया उसने, मास्टर किया टीचिंग नेचुरल साइंसेस में इन 1942. फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ लीड सेंटर ऑफ द नर्सिंग, नर्सिंग एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल एजुकेशन रिसर्च एंड सुपरवाइजर. वालेकुम सलाम नेहा, कैसे हो? अच्छा, इसका हम बैकग्राउंड देख लें. लिडिया हॉल बिगेन हर प्रेस्टिजियस करियर इन नर्सिंग एज अ ग्रेजुएट ऑफ द यॉर्क हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग इन यॉर्क. पेंसिल्वेनिया. Currently, she earned B.Sc. and M.A. degree from Teacher College, Columbia University in New York. Had a faculty position at the York Hospital School of Nursing and Fordham Hospital School of Nursing. Become consultant in nursing education in the nursing faculty at the State University of New York Upstate Medical Center. She also was an instructor of nursing एजुकेशन एट टीचर कॉलेज. ओके, तो ये था इसका बैकग्राउंड. अब आप लोग ऐसे करो, इसकी जितनी सारी स्लाइड्स है ना, उनको एक जो है वो नज़र देखो, सारी स्लाइड्स को उनके बारे में पढ़ो. फिर किसी भी, मैं भी इधर से देख रही हूँ, तो मैं किसी भी स्लाइड में से जो है जो अहम क्वेश्चन मुझे लगेगा, मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ. ठीक है, जल्दी से अपनी स्लाइड्स को ओपन करो और देखो इसको, क्योंकि इधर एक एक इस तरह हम इतने टाइम में नहीं कर सकेंगे. आप लोगों की क्लास के सिद्रा कितने लोग हैं? सिद्रा कहाँ मैं इसको अपलोड कर दूँ? क्यों आप लोगों के पास ये वाली स्लाइड्स क्यों नहीं है? पढ़ी नहीं आप लोगों ने ये? ओके, 44 जी. सिद्रा, ये आप लोगों ने पढ़ी नहीं हुई पीपीटी है नहीं आप लोगों के पास ये? नहीं, इधर वेबिनार पे तो है, लेकिन आप लोगों के पास पर्सनल किसी ने आप लोगों को सेंड नहीं की हुई थी पीपीटी? या मैडम सुरैया तो अक्सर हार्ड में भी ये देती होती हैं. मैं ठीक हूँ वर्षा. सही है, तो मैं देखती होती थी कि वो हार्ड फॉर्म में भी जो है वो अपनी पीपीटीज देती थी, अगर सॉफ्ट में देती थी या नहीं देती थी. तो अगर नहीं है तो फिर इस ऐसा है. अच्छा, आज आप लोग ऐसा करो कि, तो मैडम रख रही हूँ अभी, कोई नहीं, आप लोगों को सॉफ्ट में सेंड की स्लाइड्स.
ओके अच्छा है कि जो भी हमने अब थ्योरी स्टार्टिंग से जो भी हमने डिस्कस करनी हुआ करेगी ना, वो पहले मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया करूँगी। ओके, वो पहले मैं आप लोगों को अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन आप लोग ऐसा करो कि एक ना फोर्थ ईयर का ग्रुप बना लो, ठीक है? जैसे थर्ड ईयर ने मेरे साथ पीडियाट्रिक का बनाया हुआ, इसी तरह आप लोग नर्सिंग थ्योरीज के नाम से ना एक ग्रुप बना लो। फिर जो भी पीपीटी हमने डिस्कस करनी हुआ करेगी, मैं पहले आप लोगों को अपलोड कर दिया करूँगी। इसी तरह आप बना लो, एडमिन बन जाओ आप। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग को जो है वो आप लोगों के टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। मैडम राफी ने तो मुझे बताया कि आप लोगों के पास फाइव पेपर थे, पास पेपर, वो भी आप लोगों ने हल कर लिए होंगे। वो रिटर्न में आप लोगों ने हल किए हैं या जस्ट सिर्फ अपने अपने क्वेश्चंस आप लोगों ने जस्ट देखे हैं? मैंने तो जैसे थर्ड ईयर को जो है वो इस तरह करवाई कि उनको पेपर जो थे, पास पेपर थे, कुछ मैंने पूरे क्लास में डिवाइड किए कि इनके क्वेश्चंस ढूंढो। फिर उन्होंने क्वेश्चंस ढूंढ के जैसे मुझे सेंड किया, मैंने उनको फिर कंपाइल करके पूरे पूरे के पूरे फिर अब उनको जो है वो अपलोड किए हैं। अब उनमें से मैं जैसे दो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, तो इस तरीके से मैं उन लोगों का टेस्ट लेती हूँ। अच्छा, डिस्कस किए लेकिन आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस ढूंढे जो पास पेपर हैं आप लोगों के पास? ओके, तो जो ग्रुप बनेगा ना उसमें आप लोग मुझे ना वो पास पेपर सेंड करना, फिर मैं बाय नेम आप लोगों को भी डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने उनके क्वेश्चंस ढूंढने हैं, क्वेश्चन ढूंढ के फिर आप लोगों ने मुझे सेंड करने हैं। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को कंपाइल करके ना तो आप लोगों को भी चेक भी कर लूंगी कि क्या अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन क्या इसका ये आंसर है। तो फिर मैं कंपाइल करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ताकि एट द एंड आप लोगों को कोई टेंशन ना हो उसके बारे में। ठीक है, लेकिन यह कि जो भी असाइनमेंट अब आप लोगों को मिले, देखो बेनिफिट तो उसमें आपका ही होगा अगर तैयारी कर लोगे। और सेकंड बात, आप लोग अलर्ट रहो कि क्योंकि फोर्थ ईयर के ये अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई का महीना, मई में ईद है, तो जून में आपके, मई में हो सकता है डेट शीट आ जाए आप लोगों की। जून में आप लोगों के मस्ट पेपर हैं, ये अपने दिमाग में रख लो कि जून में मस्ट है फोर्थ ईयर के एग्जाम। किसी ने आपको बात ये बताई है या नहीं बताई, बट मैं आपको बता रही हूँ। मिलाम पत्मा हो ही गई ऑनलाइन हूँ। पत्मा कैसे हो? ठीक हो गया। अब आज के आज ये ग्रुप बना के सिंदरा, जो जिनके पास भी पास पेपर, किसी के पास एक आध जो भी है ना, वो जो है ना ग्रुप में शेयर कर दें आज के आज ही। इसके बाद मैं फिर आप लोगों को ना, ये क्योंकि कंप्यूटर में पड़ी हुई है, मेरे पास ईमेल में नहीं है कि मैं भी आप लोगों को इसको सेंड कर देती, या जस्ट वेट करो मैं अभी ट्राई करती हूँ। सिद्रा का नंबर तो व्हाट्सएप है, ऐसे करो सिद्रा मुझे ना व्हाट्सएप पे ना मैसेज करो।
सिद्धा मुझे व्हाट्सएप पे आपका मैसेज नहीं आया, मैं भी अपलोड करना चाह रही थी ताकि आप ग्रुप में सेंड कर दो अभी के भी। जी सर, मेरे पास नंबर था आपका रिसर्च वाला, मैंने आपको सेंड कर दिए, अभी ये पीपीटी सबको सेंड कर दी। तो फिर किसको सेंड करूँ बताए, वो मुझे अभी के अभी मैसेज कर दे। आपको मैंने सेंड की है लेकिन आप कह रहे व्हाट्सएप नहीं चल रहा, वर्धा का चल रहा या कोई और जो ग्रुप में सेंड कर सकता है वो मुझे बताए, मैं उसको सेंड कर दूँ। कौन कौन ऑनलाइन हुआ है? मेरे पास सुनाना का नंबर है, सैरिश का है, सुलेमान का है, हमजा का है। हमजा ऑनलाइन हुआ, ठीक
ओके आपको मैं अभी सेंड करती हूँ। जी आरफा अभी आप सबको सेंड कर दो ताकि आप लोग इसको फिर देख सकें। ठीक है तो सिद्रा आप फिर कैसे लोगे जब आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा। गुड बस जल्दी से आप लोग इसको सारी स्लाइड्स हैं आप लोग देखो इधर से मैं देख रही हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बट एक बात बच्चों आप लोगों के पास तो नर्सिंग थ्योरी की बुक भी है ना एक उसमें भी तो थ्योरीज हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि जो नर्सिंग थ्योरी की बुक आप लोगों के पास है कोई इसके साथ की बुक लाइब्रेरी में है। तो वर्दा आप लोग बुक से नहीं इसको पढ़ सकते थे ये बुक में नहीं है ये वाली थ्योरी। गुड वर्धा तो आप लोग देखो अगर ये पीपीटी है ना बनी हुई बेशक की बनी हुई है डेफिनेट टीचर ने तो पढ़ाने वाले ने पढ़ाने के लिए बनानी ही होती है लेकिन आप लोगों को मैं बेस्ट वे बताऊं आप लोग पता क्या करें अगर आप लोगों ने ये पीपीटीज पढ़नी है क्योंकि मुझे नहीं पता ये पीपीटीज कैसी बनी हुई है बनाने वाले ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। ठीक है कि उसमें उसने बुक को जो है वो किया है या उसने ऐसे ही पीपीटी जैसे अक्सर टीचर्स नेट से उठा के तो बना लेते हैं अब आई डोंट नो। ठीक है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती तो मैं आप लोगों को बेस्ट कंसर्न यही करूँगी कि इस पीपीटी को भी आप लोग सामने रखें। अगर आप हार्ड में इसका प्रिंट ले लें तो बहुत अच्छी बात है तो फिर आप ऐसा करें इस पीपीटी को सामने रख के आप बुक रीडिंग करो। ठीक है और इस पीपीटी में या जो बुक में अगर इससे रिलेटेड कोई बुक में मटेरियल है तो बुक से उठा के इसके अंदर साथ साथ छोटा छोटा लिखते जाओ ताकि एट द एंड जब पेपर आए तो आप लोगों को ना सारी बुक नहीं वो छाननी पड़ेगी नहीं ना ही सारी बुक पढ़नी पड़ेगी जो मोटी मोटी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड की हुई होंगी उस वक्त आराम से आप यही पढ़ सकते हो। क्योंकि ना एट दी एंड ठीक है हाँ बुक से भी हमें बुक से ही पढ़ना है और बुक से ही पेपर जो है वो बनते हैं लेकिन हम एट द एंड वर्ड टू वर्ड तो बुक से नहीं ना पढ़ सकते लेकिन उसमें जो है वो पहले ही बंदे ने मेहनत की हुई हो ना तो आखिरी दिन में इतनी टेंशन नहीं होती। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती थी वो पीपीटी को एक दफ़ा पढ़ लिया पता चल गया कि पीपीटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब जब बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि ये चीज़ें जो हैं पीपीटी में ऐड नहीं है मैं वो चीज़ें उठाती थी तो पीपीटी के उसी जो स्लाइड होती थी उस स्लाइड के अंदर जो है अपनी चीज़ें साथ लिख लेती थी उसके अंदर ऐड कर लेती थी फिर एट द एंड मुझे बुक के फिर वो टॉपिक्स नहीं खोल के देखने पड़ते थे क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने देखे होते थे।
ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से ही इसको स्टडी करें, क्योंकि तैयारी तो आप लोगों ने ही करनी है। जी अली हमजा, हो गया हो ऑनलाइन? कैसे हो? अली हमजा कर दिए तैयारी शुरू? आपको पता है कि जून में आप लोगों के एग्जाम होने, स्टैंड अप का तो अभी मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, बट जून में आप लोगों के एग्जाम का मैंने सुना है। जी हमजा, तो इसके टेस्टों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो एज अ सीआर? हमने तो पहले डिस्कस किया है कुछ, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि इसके टेस्ट कैसे होने चाहिए, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो? रीडिंग दे रहे हो ना इसको? Thank you.
चित्रा ने कहा कि मेरा व्हाट्सएप नहीं काम कर रहा, तो कौन फिर ग्रुप बनाएगा? गुड न्यूज सर, बस उसमें मुझे ऐड कर लो, सेल्फ क्लास के ऐड कर लो। और फिर मैं अगेन आप लोगों को कह रही हूँ कि जिनके पास भी पास पेपर हैं, अगर किसी के पास कोई मौजूद हैं पहले से ही कंपाइल किए हुए आंसर्स के साथ, तो वो भी सेंड कर दें ताकि वो सब लोगों को मिल जाए, ठीक है? और हम उसको उसका भी टेस्ट लेके तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर किसी के पास अभी डाउट है तो उनको हम जो है वो उनके क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं उनके। इसका तो मुझे बताएगा कि तुमने पीपीटी सेंड की है, इसकी कितनी स्लाइड्स हैं? इधर शो नहीं होती। थैंक यू नज़र।
हमजा जस्ट ऑनलाइन हो गए, गायब हो गए। हमजा से मैंने पूछा था कि सजेस्ट करो एज अ सीआर, ये हम लोग इसकी थ्योरी की जो तैयारी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। ओके वैसा है कि हम इन पांच पेपर्स को देखेंगे और बाय नेम आप लोगों को जो है इनको सेंड करूंगी, ठीक है? या दो लोगों को एक पेपर में देखती हूँ टोटल कितने पेपर हैं, ठीक है? तो फिर अकॉर्डिंग टू इन पेपर्स मैं फिर आप लोगों में ये डिवाइड कर देती हूँ। तो आप लोग जो है टाइम दे देते हैं मैं आप लोगों को एक वीक का, तो आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस ढूंढ के तो आपने मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं कंपाइल करके फिर आप लोगों को बैक सेंड कर सकूं। इस तरीके से अभी के अभी ये हमारे जो होंगे पास पेपर भी इस तरीके से हल हो जाएंगे, ठीक है? और सबकी टाइम बचत भी हो जाएगी, हर किसी को अपने अपने नहीं ढूंढने पड़ेंगे। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होगा, मैं एक पेपर जो है वो देखती हूँ टोटल कितने पेपर हैं और आप लोगों की क्लास कितनी, मैं फिर एक पेपर जो है दो लोगों में या एक पेपर जो है वो तीन लोगों में इस तरीके से डिवाइड करूँगी, ठीक है? तो फिर अब तीन लोग मिलके जो है वो इसे करना ना, आपस में मिल जाना, एक क्वेश्चन कोई ढूंढ ले, दूसरा क्वेश्चन कोई दूसरा बंदा ढूंढ ले, इस तरह हर किसी का टाइम जो है वो शॉर्ट थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और पेपर हमारे हल हो जाएंगे। इस तरह अच्छा है ना, टाइम भी बच जाएगा। ऐसे हर पेपर के दो दो क्वेश्चन एक बच्चे के हो सकता है, इससे में आएगा एक क्वेश्चन।
आज का हमारा दिन था, ये बस सारी डिस्कशन में ही गुजर गया। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वाला जो हमारा होगा ना लेक्चर, हम उसमें जो है आज आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लो, नहीं थी आप लोग पास पीपीटी। अब जो नेक्स्ट वाली है ना पीपीटी वो भी मैं सेंड कर देती हूँ, और नेक्स्ट फ्राइडे को हम दोनों पीपीटी जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। बल्कि मैं जस्ट इनमें से सिर्फ आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, आपने उसके आंसर लिखने होंगे, ठीक है? क्योंकि इसको आप ऑलरेडी एक किस्म का ऐसे तैयार करो जैसे आप लोगों ने टेस्ट तैयार किया इसका, ताकि मैं इसका क्वेश्चन करूँ तो आप लोग इसका आंसर दे सकें। ठीक हो गया। और उसके साथ ही फिर मैं आप लोगों को गूगल पे चाहे SEQs हो चाहे MCQs हो मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगी, तो वो आप लोग टाइम दे दूंगी, आप उस टाइम में आप लोग उसको हल करके मुझे सेंड कर देना। बाकी हम कुछ चीज़ें जो है वो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं।
कर ली फिर फारे होते आपके पास नहीं, मेरे पास तो फिर बात भी नहीं होती। चलो ठीक है, जब जाएगी मुझे ले जाऊंगी। ओके बच्चों, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन अपने लेक्चर में दो जो है ना थियोरीज उनको डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली जो थियोरी है वो भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है? तो और ये वाली आप लोगों ने सेंड कर दी है, ताकि फिर इंशाल्लाह हम ना जल्दी जो है वो अपने एम को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग इसको रीड करो, तब तक मैं जो है वो सेकेंड जो थ्योरी है वो सेंड कर देती हूँ, ठीक है? बर्दा, take care.